गुना शिवपुरी से लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी श्रीमती प्रियदर्शनी राजू सिंधिया ने पिछोर विधानसभा के भौंती पहुंचकर लोगों से मांगी भाजपा के लिए वोट। क्षेत्र की जनता और खुद के बीच बताया 30 साल का नाता, माता और बहनों से की आगामी 7 मई को कमल के फूल पर वोट दबाने की अपील। कहा कि जैसे महाराज आपका हर सुख दुख में साथ देते हैं, वैसे आप भी महाराज का रखे ध्यान। रिपोर्टर दीपक गुप्ता, निगोती। मेरा ही खुद का रिश्ता आपसे लगभग 30 साल पुराना है। मेरी शादी हुई थी यहाँ 30 साल पहले। हम लोग आते थे यहाँ पे घूमने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। उस टाइम पे बड़े महाराज माधवराव सिंधिया जी थे और हमें बहुत कठिनाइयों से चंदेरी पहुँचना पड़ता था या पिछौर आना पड़ता था। आज हम पिछौर आए सीधा ग्वालियर से 3 घंटे में, जो पहले नामुमकिन था। जैसे हम आ रहे थे सदियों पुराने जो रास्ते बनाए गए थे 100 साल पहले, आज भी वो रास्ते आप तक हमें पहुंचाते हैं। इसके बाद पिछले 20 सालों में महाराज ने हमारे लिए नहीं, उनके लिए नहीं, आप लोगों के लिए जो विकास के कार्य किए हैं वो मुझसे बेहतर आप लोग ही जानते हैं, क्योंकि आज उसी रोड पे आप चलते हैं, उसी अस्पतालों में आप जाते हैं, उसी स्कूल्स और कॉलेजेस में अपने बच्चे पढ़ रहे हैं जो 30 साल पहले नहीं। तो यही विकास होता है, हाँ या ना? हम अपना प्रत्याशी क्यों चुनते हैं? हम इसलिए चुनते हैं, ये कारण के लिए नहीं कि वो मेरे जात के हैं या वो मेरे भाई हैं या वो मेरे सगेगार हैं, लेकिन हम चुनते हैं इस कारण के लिए कि उनका खून और हमारा खून एक है। जो काम वो करते हैं वो अपना मान के करते हैं, यानी जब भी आपका आवेदन जाता है उनके पास वो मेरे हाथ से जाएगा, यानी मेरा आवेदन है उनके लिए।